अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अदनान खान। वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट मूवीज़ वॉक। आज हम रिव्यू करने वाले हैं फरहान अख्तर एंड राकेश मेहरा की तूफ़ान। देखते हैं कि वाकई में तूफ़ान ये ला पाई है या नहीं। तो गाइस, पहले जब ये दोनों साथ आए थे, भाग मिल्का भाग में साथ में आए थे, आपको पता ही होगा क्या माइंड ब्लोइंग मूवी थी। और एक फर्स्ट बायोपिक आप इसको मान सकते हैं कि इन्होंने जो ट्रेंड लाया है बॉलीवुड में, जो ट्रेंड लाने वाले हैं बायोपिक, वो हैं फरहान अख्तर और राकेश मेहरा। उसके बाद तो बॉलीवुड में बायोपिक की झड़ी सी लग गई। आप देखेंगे ऐसा ट्रेंड छाया बायोपिक में, हर डायरेक्टर बायोपिक पर काम कर रहेगा। तो गाइज, ट्रेलर देखने के बाद तो इतना ज़बरदस्त ट्रेलर लगा कि एक्सपेक्टेशन मेरी कुछ ज़्यादा ही आसमान पर चली गई। आप देखते हैं कि वो आसमान से ज़मीन पर आई हैं या वो आसमान पर ही रही हैं। तो गाइज़, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं रिव्यू, और आपको बताते हैं कि आपको अपना कीमती टाइम इस मूवी को देना भी चाहिए या नहीं। तो गाइस, साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट भी करता हूँ आप लोगों के, यार सपोर्ट की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है। एक तो हम यार जॉब करने वाले इंसान हैं और पूरी तरीके से टाइम भी नहीं दे पाते यूट्यूब पे, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइबर नहीं मिलेंगे तो भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा आगे बढ़ना और वीडियो बनाना। तो गाइस, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, साथ में नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दिए। उससे ये होगा कि आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। तो गाइस, कहानी शुरू होती है फरहान अख्तर से, जो कि एक ढोंगरी का गुंडा है मुंबई का, मतलब छोटे मोटे लोगों की मारपीट, वसूली भाई, जिस तरह से वसूली भाई कहते हैं, वसूली करता है और एक गुंडे के लिए काम करता है और उनके लिए वसूली करता है। लेकिन बंदे में दम है, और एक बार वो जिम में जाता है और एक बॉक्सर को प्रैक्टिस करवाता है। वहाँ पे वो बॉक्सर कहता है कि भाई तुझ में दम है, तो वहीं से फरहान अख्तर को शौक लगता है बॉक्सर बनने का। तो तभी से मोहम्मद अली की वीडियो देखना शुरू कर देते हैं फरहान अख्तर, और जोश चढ़ जाता है कि भैया आप तो बॉक्सर बन के ही मारूंगा साहब। तो खैर, अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी इस मूवी से, तो आपको इस मूवी से निराश होना पड़ेगा कि बायोपिक तो है ये, लेकिन ये बायोपिक्स पूरी बॉक्सिंग पर फोकस नहीं करती है। आप अगर सोचें कि आपको इसमें बहुत ही ज़्यादा बॉक्सिंग के सीन्स और ज़बरदस्त अलग ही तरह के बॉक्सिंग्स देखने को मिलेगी, तो आपको ये मूवी पूरी तरीके से निराश करेगी। कहते हैं कि ना, मूवी एक ही प्लेटफॉर्म पर अगर चलती है तो बहुत अच्छी बनती है, लेकिन ये मूवी दो रास्तों में बटती है। एक तो ये एक रिलीजियस मैटर पे चली जाती है, जिसके बारे में बहुत लोगों को इसके रिलीजियस पॉइंट जो है इस मूवी का, वो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा होगा। किसी को अच्छा लगा होगा, किसी को बुरा लगा होगा, लेकिन मैं रिलीजियस पॉइंट पे बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि करनी भी नहीं चाहिए। तो गाइज़, ये दो जगह दो प्लेटफॉर्म पर मूवी चलती है, तो इसी वजह से ये मूवी एक एवरेज मूवी बनती है। तो गाइज, अगर फर्स्ट हाफ की बात करें तो पूरे फर्स्ट हाफ में ज़्यादातर ड्रामा बेस्ड मूवी है, और काफ़ी अच्छा ड्रामा इस मूवी में दिखाया गया है। लेकिन इसके बाद जो आपको एक्सपेक्टेशन थी कि ड्रामे के बाद ये मूवी चेंज हो जाएगी बहुत ही ज़बरदस्त एक्शन में, और आपको बहुत अच्छे एक्शन सीन्स, बॉक्सिंग सीन्स देखने को मिलेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर आप एक वन टाइम वॉच मूवी देखना चाहते हैं, एवरेज मूवी देखना चाहते हैं, तो आप इस मूवी को देख सकते हैं। बात करें फरहान अख्तर की एक्टिंग की, तो बाप रे बाप, उनका ट्रांसफॉर्मेशन और उनका डेडिकेशन, उनकी एक्टिंग माइंड ब्लोइंग। अगर किसी भी सबसे पहले अगर मैं किसी भी एक्टर का नाम लेना चाहूँगा इस मूवी में, बेस्ट एक्टिंग फरहान अख्तर। उसके बाद बाकी साइड एक्टर्स ने भी अपना काम को बखूबी निभाया है, बहुत ही डिसेंट एक्टिंग की है। बात करें इस मूवी की लीड एक्ट्रेस की, तो आपके लिए एक ये सरप्राइज पैकेज निकल के आता है। बहुत ही अमेजिंग एक्टिंग, डिसेंट एक्टिंग उन्होंने इसमें प्ले की है। बात करते हैं डायरेक्शन की, तो राकेश मेहरा का डायरेक्शन इस मूवी में भी बहुत ही अच्छा है, और उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से डायरेक्ट किया है इस मूवी को। कहानी कैसी भी हो, ड्रामा हो, किसी भी तरह की कहानी हो, वो अपने डायरेक्शन से नहीं भटकते हुए नज़र आते हैं, और अच्छा डायरेक्शन उन्होंने इस मूवी में भी किया है। अब बॉलीवुड मूवी है तो बात कर लेते हैं सॉन्ग्स की। बॉलीवुड मूवी में ऑब्वियसली सॉन्ग तो होते ही हैं,
तो गाइस अगर बात करें कि तूफान एक सॉन्ग है उसमें थोड़ा बहुत आपको कन्विंस करता हुआ नजर आता है, तो और बाकी के सॉन्ग आपको बिल्कुल ही ना काबिले बर्दाश्त ही नजर आएंगे। और यार बात क्या करें, बात सॉन्ग की यार क्या बात करें यार, कोई कोई ढंग का सॉन्ग है ही नहीं जो मूवी को ऊपर ले जाए। जिस तरह से आप भाग मिल्कर भाग में हवन करेंगे और आपके जिंदा, तो जबरदस्त सॉन्ग थे और बिल्कुल जोश को आपके अंदर बढ़ाने वाले सॉन्ग थे, वो इस मूवी में से बिल्कुल मिसिंग नजर आते। तो गाइज बात करें क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स ने इस मूवी को पूरी तरीके से एवरेज ही बताया है। आईएमडीबी पर अगर आप इसकी रेटिंग चेक करोगे तो 4.8 की रेटिंग लग रही, लेकिन आप एक वन टाइम मूवी देखना चाहते हैं, मास मूवी देखना चाहते हैं, तो आपके लिए ये वन टाइम वॉच मूवी है। आपका टाइम पास एक बार कर देगी, लेकिन एक बार से ज़्यादा इस मूवी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर मेरी बात करें तो मेरी फाइनल प्रेडिक्शन इस मूवी की नहीं रहेगी कि वन टाइम वॉच, एक बार देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरी फाइनल रेटिंग इस मूवी की नहीं रहेगी 10 out of 5 star। एवरेज मूवी है क्योंकि दो प्लेटफॉर्म पे जाने की वजह से अगर एक ही जगह फोकस करते तो अच्छा रहता, उसकी नहीं है, इसकी 5 star तो कटेंगी। तो गाइज अगर आपने ये मूवी देख ली है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी। और गाइज अगर आपको मेरा रिव्यू ज़रा भी पसंद आया तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख के ज़रूर बताएं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और आप वीडियो को लाइक भी कर दें, और उसके अलावा नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे ये होगा आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। और आप देख रहे थे स्मार्ट मूवीज़ वॉक चैनल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।